छतरपुर में प्रशासन ने पटाखा गोदाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख के पटाखे जब्त किए हैं। पटाखा व्यापारी ने बिना अनुमति के अवैध तरीके से रिहायशी इलाके में पटाखा गोदाम बना रखा था। प्रशासन को सूचना लगी थी कि आगामी त्योहार दशहरा दीपावली को देखते हुए पटाखा व्यापारी ने बिजावर रोड के रिहायशी इलाके में पटाखों का स्टॉक करके अवैध रूप से रखा है। इसी सूचना के आधार पर एसडीएम की अगुवाई में रात में छापा मारा गया, जहां भारी संख्या में पटाखे जब्त किए गए। प्रशासन ने जब व्यापारी से पटाखे रखने के लाइसेंस मांगा तो उन्होंने पटाखे का लाइसेंस नहीं दिखाया। तब प्रशासन ने विस्फोटक अधिनियम के तहत पटाखे जब्त कर लिए और जिस मकान को किराए पर लेकर उसमें पटाखे रखे थे उस मकान मालिक पर भी कार्रवाई की जा रही है। स्फोटक सामग्री पाई गई है, इसमें पटाखा है और देसी और चाइनीज होने की संभावना है। अभी इसकी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, इसमें घंटे दो घंटे लगेंगे। लगभग 200 कार्टून पटाखा अवैध रूप से रखा हुआ है और उनको भंडारण की अनुमति भी नहीं है और अभी लाइसेंस उनसे मांगा गया है। पता नहीं कितने देर में लाइसेंस आएंगे, अभी तो उनके पास लाइसेंस नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।